रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस का साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। जिला परिषद मैदान से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल यात्रा निकालकर रणधीर वर्मा कोर्ट रोड होते हुए अम्बेडकर चौक पहुँचकर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साइकिल यात्रा समाप्त की। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिस तरह पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जैसे कि पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, दूध, चना, दाल तथा सरसों तेल पूरी तरह से महंगाई से आसमान छू रहे हैं, इसी के विरुद्ध देश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बढ़ती हुई महंगाई पूरे देश में अपना छाप छोड़ते जा रही है और पूरा देश त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आज पूरे झारखंड में, पूरे देश में जिला स्तरीय ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन हो रहा है साइकिल रैली के रूप में। हम लोग मांग करते हैं कि ये पेट्रोल डीजल इसको 40 रुपये लीटर किया जाए, सरसों तेल 80 रुपया, रिफाइन तेल 70 रुपया और उसी तरह से अन्य पदार्थों का भी, खाद्यान्न पदार्थों का दाम कम किया जाए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही मोदी जी बोलते थे कि अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई भी चरम पे आ जाएगा, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी चुपचाप कान में तेल डालकर सोए हुए हैं और महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी साइकिल रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रही है और पूरा जनता साथ में। आगे भी क्या कुछ करने वाले हैं? आगे भी जब तक महंगाई नहीं खत्म होगी, जैसा निर्देश आएगा हम लोग करते रहे। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह साइकिल यात्रा केंद्र सरकार के विरोध में निकाला गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई बढ़ी है, उसी को लेकर आज पूरे झारखंड प्रदेश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। सर बताया आज किस लिए साइकिल रैली निकाले थे? पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण आज जो देश के अंदर महंगाई है, पहले तो भाजपा की सरकार ने ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना लोगों को मारा और महंगाई, अब महंगाई से लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। आज उसी के विरोध में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यहाँ साइकिल जुलूस जिला परिषद से लेकर अम्बेडकर चौक तक निकाला गया। क्या कुछ मुख्य मांगी थी? मांगी थी जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल में जो बेतहाशा वृद्धि की जा रही है उसको जल्द से जल्द वापस लेकर जनता को राहत दी जाए। अगर रैली से भी बात नहीं बनी तो आगे क्या करेंगे? आगे फिर से हम लोग दोबारा से हम लोग जुलूस निकालेंगे, यहाँ संसद तक घेराव करेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि महंगाई से अब सारी जनता त्राहिमाम कर रही है, पर केंद्र सरकार अपनी स्वामियों के सेवा में लगी हुई है। ये हमारी आज का विरोध नहीं है, कांग्रेस पार्टी शुरू से देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए डीजल, पेट्रोल, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर के आंदोलन करते रही है। और आज पूरे देश में आज हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से इस कुमकर्णी नींद में सोई हुई मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाना छोड़कर जनता के हित के विषय में सोचें, क्योंकि ये आपका ही 2014 से पूर्व वादा किया गया है। बड़े बड़े आप कटआउट होर्डिंग लगा करके पेट्रोल पंपों पे आपने ये नारा लिखा था कि बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगार युवाओं की रोजगार, करोड़ों लोगों के बात इन लोगों ने किया था। आज स्थिति ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये मोदी सरकार अपने ही, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला कह चुके हैं, ये चुनावी जुमला बता चुके हैं, इनसे देश को अब आशा नहीं रहा,
देश के लोग आज त्राही माम कर रहे हैं, थाली से निवाला खत्म है, लोग माड़ भात खाने को मजबूर हैं। इसलिए मोदी जी, आपके मंत्री चूड़ियां भेजने वाली मनमोहन सिंह जी को, आप लोग सड़कों पे बात पत्र उतरने वाले, एक समय 7 पैसा जब पेट्रोलियम पदार्थ में दाम बढ़ा था तो उस समय के अटल बिहारी जी बैलगाड़ी से मार्च करने वाले लोग, आज आप कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं। जनता के बीच आइए और जनता के दर्द को समझिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी और देश की जनता मन बना चुकी है, आने वाले समय में आपको आपकी औकात बताएगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और आगे भी अनवरत आंदोलन हमारा जारी रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ और मोदी सरकार प्रतिदिन वृद्धि करते जा रही है, जिससे आम जनता तबाह है, युवा बेरोजगार है, लोग मजबूर और लाचार हैं, छोटे व्यापारी का व्यापार बंद है। ऐसे में भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ उनको मूल वृद्धि वापस लेने के लिए हम लोगों ने यह प्रदर्शन शुरू किया है और जो कंटिन्यू प्रखंड स्तर से लेके और हर कांग्रेस के हर विंग ने अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में मूल वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से साइकिल यात्रा के माध्यम से मूल वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार से, इस भ्रष्टाचारी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि मूल वृद्धि को अविलंब हुआ। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067520।